हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो सीरीज़ है हमारी छठी सीरीज़ है, उससे पहले हम पांच सीरीज़ में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस की हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम DSSB, रीड, CTET, KVS जैसे अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपके कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डस SEN स्टैंड फॉर? SEN की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, सोशल एजुकेशन नीड, स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन या स्पेशल एंड एक्सपेक्टेशनल नीड्स? यहाँ जो SEN का मीनिंग है वो है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, यानी ए आंसर सही है। स्पेशल एजुकेशन की हम जब बात करते हैं, बच्चे को स्पेशल एजुकेशन देने की बात करते हैं, सभी बच्चा जो है अपने आप में इंडिविजुअली डिफरेंस है, सभी में एजुकेशन नीड जो है सभी की डिफरेंट डिफरेंस है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए, सभी के लिए हम असेसमेंट अलग अलग करते हैं, सभी का करिकुलम अलग प्लान करते हैं, सभी के लिए गोल अलग अलग लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी सक्सेस जो है किस पे डिपेंड करती है? कम्युनिटी सपोर्ट पर, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सक्सेस है वो इन सभी पे डिपेंड करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है और सबसे पहले जो है वो है आपका टीचर का एटीट्यूड चेंज होना। जब तक टीचर उन बच्चों के लिए अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगी तो पॉसिबल नहीं है कि जो अदर बच्चे हैं, जो नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, वो बच्चे, उनके पेरेंट्स या जो कम्युनिटी के अदर पर्संस हैं उनका भी जो है एटीट्यूड चेंज हो उन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है टीचर्स का एटीट्यूड का चेंज होना। नेक्स्ट है, इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ। इनमें से कौन सा ऐसी एक्ट या अप्रोच है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम MHRD के नाम से भी जानते हैं, और यूनिसेफ मिलके काम कर रहे हैं? CWSN एक्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1992 या प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड PIED। तो यहाँ सही आंसर है डी, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। इसके अंदर MHRD और यूनिसेफ मिलकर काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बढ़ाने का आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है, इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर ऑफ एज इज द मोटिव ऑफ। इनमें से कौन से एक्ट का मोटिव है कि जितने भी बच्चे हैं 6 to 14, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में इनरोल करना उनकी एज के अकॉर्डिंग, बिना मना किए कि बिना रिजेक्शन के? रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल या सभी, इन तीनों में, यानी तीनों ही। तो सही आंसर है SSA। SSA का जो था, या समग्र शिक्षा का अब जो बात करूं, उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल करना, उनकी एज के अकॉर्डिंग बच्चों को क्लास प्रोवाइड करना और बिना किसी रिजर्व, बिना किसी उसके, सभी को इनरोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपेक्स अथॉरिटी टू डेवलप रिकॉग्नाइज्ड
एंड रेगुलेट द कोर्स करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन के लिए जो कोर्स डेवलप किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है, किसके अंदर किसके पास अथॉरिटी है? एनपीई 1986, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, द रिहैबिलिटेशन या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ जो है स्पेशल एजुकेशन का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, द रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, जिसको हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल के नाम से भी जानते हैं. तो सही आंसर है सी. नेक्स्ट है अडेप्टिव ड्राइविंग एड्स, हैंड कंट्रोल्स, व्हीलचेयर एंड अदर लिफ्ट, मॉडिफाइड वैन्स और अदर मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर पर्सन विथ ट्रांसपोर्टेशन. व्हीकल मॉडिफिकेशन है ये जो सभी हमने अडेप्टेशन जो नाम बताए, ड्राइविंग एड्स, हैंड कंट्रोल, वो क्या हैं? व्हीकल मॉडिफिकेशन है, सेंसरी एड्स हैं फॉर विजुअल और हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए, कंप्यूटर एक्सेस एड्स हैं, या सभी यानी तीनों हैं. तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ड्राइविंग एड्स की बात हो रही है, हैंड कंट्रोल्स की बात हो रही है, व्हील चेयर्स की बात हो रही है, अदर लिफ्ट की बात हो रही है, यहाँ मोबिलिटीज की बात हो रही है, मोबिलिटीज की बात हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात हो रही है. तो यहाँ पर जो है सही आंसर है व्हीकल मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पे व्हीकल मॉडिफिकेशन जो है आंसर सही है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ट्रस्ट है एस्टेब्लिश अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइस एट आदि न्यू दिल्ली इज कॉल्ड. नेशनल ट्रस्ट एक्ट द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन या रिसोर्स सेंटर जो है डेवलप किया गया, जो आदि के नाम से है न्यू दिल्ली के अंदर, वो कौन सी स्कीम के अंदर आता है? आदि की जो है फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन. इसके अंदर रिसोर्स सेंटर और असिस्टिव डिवाइसेस जो है दिए जाते हैं बच्चों को, और लाडली स्कीम के अंदर है ये, शक्ति, संभव, नन ऑफ अबव. यहाँ पर जो बात की जा रही है, लाडली स्कीम जो है नेशनल ट्रस्ट की है ही नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. उसके बाद शक्ति और संभव, इसमें से जो है संभव के अंदर ये आता है. संभव स्कीम नेशनल ट्रस्ट की स्कीम है, उसके अंडर ये आता है. नेक्स्ट है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इनेक्टेड. जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, RPWD एक्ट कब पारित हुआ था? दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019. सही आंसर है इसका दिसंबर 2016. दिसंबर 2016 में RPWD एक्ट जो है पारित हुआ था, PWD एक्ट को रिप्लेस किया गया था, उसकी जगह अब जो है RPWD एक्ट 2016 आया है. और यहाँ पर आपका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर ही था, यहाँ पर जो है देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर ही आपका दे रखा है दिसंबर 2016, तो उसी में से आपका जवाब निकल के आ जाता है दिसंबर 2016. आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ग्लैड. ग्लैड की फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप लेवल असेसमेंट डिवाइस, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ग्रुप लेवल असेसमेंट डिवीजन या ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवीजन. ग्लैड की फुल फॉर्म है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, यानी सही आंसर है बी. और ये एक एजुकेशनल असेसमेंट टूल है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए यूज होते हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किन बच्चों के लिए, कौन से डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है. नेक्स्ट है और आज की लास्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड इन्फर्ड टू मटीरियल कम्फर्ट इज कॉल्ड. एक जो बच्चे होते हैं भौतिक सुख सुविधाओं से जो दूर रहते हैं या हीन रह जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड चाइल्ड, जिनको हम लोग वांछित हिंदी में वांछित बच्चों के नाम से जानते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, जिसको हिंदी में प्रतिभाशाली बच्चों के नाम से जाना जाता है, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े हुए बच्चों को बोला जाता है, और क्रिएटिव चाइल्ड जो है जो सृजनशील यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है. तो ये सही आंसर है वांछित यानी डिप्राइड चाइल्ड. इसके अंदर जो बच्चे होते हैं भौतिक सुख सुविधाओं से परे रहते हैं, हीन रह जाते हैं, उनको बोला जाता है.
सही आंसर है ए। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने नॉलेज जो है गेन की होगी कुछ ना कुछ। अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही अगर आपके कोई सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। शुक्रिया।